नमस्कार दोस्तों भाइयों, मेरे को सन 2015 अक्टूबर में कई दिनों से पहले नज़ले की तकलीफ़ थी। उसके बाद में नाक बंद होने की, बाद में ENT विभाग डॉक्टर गौरव गुप्ता को चेक कराने पर उन्होंने मेरा वाइपसी टेस्ट लिया, जिससे ये बात उन्होंने डिक्लेयर कर दी कि आपको ये वाला इलाज डॉक्टर शंकर लाल जाखड़ से कैंसर का ले आ गया। लेकिन इस रोग को देखकर हमारे घर वाले घबरा गए थे, लेकिन मैं नहीं घबराया और मैंने हौसला बुलंद रखा कि दुख तकलीफ़ शरीरों से ही होते हैं, तो आदमी को डट कर रहना चाहिए। इसका इलाज सामान्य बीमारी की तरह इलाज ही समझें। जिस प्रकार डॉक्टर साहब आपको दवाई का, कीमो का टाइम दें, उसी हिसाब आप टाइम टू टाइम चेकअप करवाते रहें। शरीर में तकलीफ़ ज़रूर आएगी, तो आराम भी आएगा। जैसे दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। और भगवान को अपने साथ, अपने जो देवी देवता उनके साथ, उनका स्मरण करते रहें और डट कर ये मत सोचें कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। इस ऐसा कोई नहीं चक्कर है, ये एक तरह की सामान्य बीमारी की तरह है। मेरा तो सभी भाई बंधुओं के यही निवेदन है, इस रोग से घबराएं मत। अपना ट्रीटमेंट, इलाज जैसे भी डॉक्टर साहब कहें उसी तरह लें, अपना जैसे कहें पूरा परहेज करें। लिक्विड चीज़, अनार का जूस, जितना भी आपको अच्छा लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लगे, जो कि अपना शरीर में खून बनाएगा। खून शरीर में खून है तो सब कुछ है। हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा तो शरीर में गर्माहट रहेगी। धन्यवाद। तो सब पहले जिया थाने बीमारी हुई, बीमारी पत्तो लाग्यो चाहे थारे दिमाग में के आयो के उसी के नहीं पता लगे ना आपने ऐसे को वैसे लगवा दिया। नहीं, आपको जैसे ऐसे डर तो नहीं लगा कि अब क्या होगा, पता नहीं कौन लगे। चलो ठीक है, तो शेक लग गया जब तन की लग गया भी के तकलीफ होती, शेक री मशीन पर लेटता जब दवर में ना की तकलीफ होती जिन्हें तो 15-10 लाख रहे वन थोड़ा स्कूटी में सोचे बैठी है थोड़ा सा। हाँ, शेक री मशीन पर कोई करंट आता हो, कोई झटको लाग तो ना कोई करंट को झटको को पत्तो लगे भी फिर कुछ करंट काट को थाई को पूरे शेक लग गया। चलो, नशो बंद कर दियो या अभी चला है कोई बीड़ी सिगरेट रो? हाँ, बे बंद है। पहले बीड़ी पीता के? बिल्कुल। अब कैसे हो? अभी ठीक। कितने साल हो गए? 7 साल पहले, 7 तो। और काम वगैरह करते हो? हाँ सर। चलो ठीक है, कोई मरीजन कोई सलाह देना चाहो? चला ये भी आप वो बच रहा है बीड़ी वो मतलब नशा वो और की है तो आप वो भी इलाज करवाओ टाइम पर। कोई बात नहीं, अगर इलाज करावे तो इलाज ना घबराने की जरूरत ना को बात। चलो, थे मरीज के लगो भाई। अच्छा बताओ, तने जब सब पहले पता लगे कि भाई बीमारी होगी कैंसर ही मरीज रहे तो? तो जब तो जी घबराहट हुई मारे अभी तकलीफ, हाँ फिर बताने बाद में आपके कने आए। हाँ बोले भी ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो मारे कोई घबराहट नहीं। फिर इलाज रे दौरान है मरीज जो थे के ध्यान रखता? मरीज के लिए एक तो खाने पीने का है कि पतलो खाना दिया करता, दूध है, दही है, लस्सी, जूस, खून की कमी नहीं आती। चलो, और मरीज कितनी तकलीफ हुई इलाज चादरों भी दौरान? मरीज की तकलीफ तो ये 14-15 सेक लगने बाद के अंदर ही ज़्यादा ही थोड़ी सी उल्टी आल्टी आने लगी और फल्ला फुल्ला भी बाद में 22 से 1 का बाद में आ जाता। हाँ बाद में, और इसके बाद में कोई ते खाने की कमी आन दी छाला हो जाता ना, या चालू रखता फुल? फुल चालू रखे करते, खाने की कभी कोई कोई नहीं आती। अच्छा, तो बुखार बड़ी देर पर बुखार बड़ी दूसरे गांठ हुई। गांठ हुई ना डॉक्टर साहब ने बड़े बड़े ट्रीटमेंट दी, खबर ही आना कि जाँच करोगी तो मैं कि कहीं जाँच करा कैंसर हो गया तो मरा हुआ ही था। मैं मान जाए कोई ना ठीक करने रहा हाँ डॉक्टर साहब ने इलाज करे हो जांच करेगी के दर्शन करेगी तो हाँ दर्शन करा तो भी बात आनी है लग्यो के मर से आप तो बीमारी होगी जना बीमारी कर पर मरा श्री जी मरा। हाँ फिर हाल तो ठीक है। नहीं बाद में फिर तारो इलाज शुरू करो जाना, थारे मन में की तसली हुई गे के ठीक उसी हो जी एक बार मरा शेक ज्यादा बाद में कितना एक दिन नाम सुधार हुआ शेक लागने बाद में 20-25 दिन ने हुआ ना। हाँ जी, मैं 80 के पास हमारा गांव है, वहाँ मेरे गड़बड़ हो गई। 80 कहाँ है? सहरसा गया। हरियाणा। हरियाणा ठीक।
अच्छा फिर मेरे गड़बड़ की महसूस हुई, फिर चेक करवा कर मैं अभी कनेर आ गया, बिल्कुल ठीक हो गया, कोई गड़बड़ कोई मेरे बिल्कुल ठीक हो। एक बीड़ी नहीं पीता नहीं मैं बिल्कुल नहीं, तो तीन बंडल पिया करता बीड़ी बिल्कुल छोड़ दी, कोई पीता हो तो उसके साथ बैठू नहीं, काफ़ी दूर हो जाऊँ, कोई दिक्कत कोई मेरे कोई। बीकानेर में क्या इलाज हुआ तरह? मेरा बीकानेर में हुआ जी कैंसर का, और डॉक्टर साहब ने मेरा ऐसा इलाज किया मैं बिल्कुल ठीक हो गया। रेडियोथेरेपी लगेगा, सेक लगेगा? हाँ सेक लगे जी मेरे एक महीने। उससे क्या हुआ? उसे 5-10 दिन लग गए इतने तो मेरे महसूस नहीं हुआ, और फिर मेरे को चोखा महसूस सा हो गया। मैं कहने लगा डॉक्टर साहब मेरे को छुट्टी दो 5-4 दिन की, बस डॉक्टर साहब को मेरे को छुट्टी दे दी, और मैं फिर 5-4 दिन में फिर आ गया, फिर 5-7 सेक रह रहे थे वो और लग गए, और डॉक्टर साहब को मेरे को छुट्टी दे दी, मैं अपने घर चला गया। ये मैं 5-4 महीनों में डॉक्टर साहब बुला लें हैं, मैं चेक करा दूँ, मेरे कोई गड़बड़ नहीं। कितना साल हो गया? 2 साल टपके के 2 हो गया 16। हाँ पहला मानगढ़ गए बट जाँच करवाई, फिर भी कहने आया, फिर जाँच कराई, फिर मान लो मैं बोतल गए कि मो, फिर मैं वो लाज करवाया चेकअप, तो मेरा कुछ नहीं है, कोई डर वाली बात वो नहीं, डॉक्टर साहब मुझे लाज कर भी पहली थे इस बारे में के विचार आ तो लोग धन के कहते हैं बा बात बताओ थे माने यह कहता है तेरा ठीक हो गया अपने मत कर ठीक हो गया तो मैं बात कर मेरा तो लाज बढ़िया हो गई। सेकर बारे में लोग क्या बात करता कहता भाई ये तत्व लगा वो ठंड है बड़े है गया तुम तो ठीक हो बेरो कौन लगा जहाँ तिर ना आया जिस तिर यहाँ पांठा ही बोल तो तन का दीप तो लागे हो गया कि मार लाग रहे कौन लगे ठीक। और नसों पत्तो? नसों पत्तो मैं पहला करता रहा हूँ बंद कर दियो। हाँ अब कितना साल हो गया था? मरना हो गया 30 तीसरो साल है वो। कोई तकलीफ है? अब तो कोई बिल्कुल नहीं। लोकल डॉक्टर ने दिखाया वहाँ कैंसर बता दी, फिर मैं भी कनेर आयो डरे हो कौनी, फिर मैं इलाज करवायो सेका लग गया घबराए कौनी, आज 4 साल हो गया बहुत बढ़िया हूँ, आवाज़ बंद होगी और बोलने लग गयो। शंकर लाल जी का धन्यवाद। बीड़ी वगैरह पियो? ना जी बीड़ी नहीं पी हूँ, ना मैं कोई नशा हूँ, कोई कदे करेगा नहीं। जब मैं फेडियाँ कील हुई थी छोटी सी पिंपल टाइप की, फिर लोकल डॉक्टर से इलाज लिया था, लोकल डॉक्टर से इलाज लिया था कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, एक महीना तक ऐसे लेता रहा मैं, फिर अजमेर ले गया ENT स्पेशलिस्ट को, तो उन्होंने कहा था कैंसर है, उसके बाद मैं बीकानेर आया था PBM में, यहाँ बहुत राज्य से ऑपरेट करवाया था उसको, ऑपरेट के बाद बायोप्सी के अंदर कहा था रेडियोथेरेपी लेनी पड़ेगी, ली थी उस बात को 2.5 साल हो गए अभी तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। पहले आपके मन में क्या क्या सवाल उठ रहे थे जब बीमारी का पता चल रहा, तब क्या लग रहा था? रेडियोथेरेपी के नाम से लग रहा था शेक, जिसको देसी भाषा कहते हैं, तो मुझे पता नहीं शेक जलाएंगे क्या करेंगे, तो पहला शेक लेके जब बाहर आया तो मैंने कहा शेक में कुछ है ही नहीं। और बीमारी का जो डर और शेक का डर वो आपको दिमाग में कैसे घुसा, किसी ने पहले बताया हुआ था या वैसे ही? बीमारी का डर तो सब कैंसर नाम से परिवार और दूसरे सब भी घबरा गए थे, थेरेपी से डरता शेक में पता नहीं जड़ाते हैं कोई गर्म चीज लगाते हैं क्या करते हैं। जब पहली थेरेपी हुई बाहर आया बड़ी मुश्किल से 1-1.5 मिनट का होता प्रोसेस ही पता ही नहीं पड़ा, फिर तो वहाँ डेली पेशेंट से मिलना होता, किसी के 30 हो गए कोई गले में छल्ले होंगे रोटी नहीं कटी जाएगी वो होगा कुछ भी नहीं होगा। तो आप मरीजों को कुछ कहना चाहोगे जिनके कोई इस तरह की बीमारी होती है उनको? मरीजों को सबसे पहले तो अपना कॉन्फिडेंस सही रखें, बीमारी है बीमारी का इलाज भी है, प्रॉपर डॉक्टर और प्रॉपर इलाज लें। एक लोग रेडियोथेरेपी से घबराते हैं कि शेक लेते हैं कैंसर बढ़ जाती है फैल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। उससे पहले साहब मैंने सिरसा में टेस्ट करवाया, वहाँ उन्होंने कहा आप हमारे बस की बात नहीं बीकानेर जाओ, हम फिर बीकानेर आए, फिर हमने बीकानेर में इलाज शुरू करवाया, तो सबसे पहले कीमोथेरेपियाँ शुरू हुई,
उसके बाद रेडियोथेरेपी शुरू हुई, 32 रेडियोथेरेपी लगी और काफ़ी 2 महीने तक यहाँ मुझे रहना पड़ा। उसके बाद मैं ठीक हुआ। उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा भाई आप टेस्ट करवाते रहो।